नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हीना। अगली खबर में बात करते हैं कशरावत की, जहां सेवा सहकारी संस्था कशरावत की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन सेवा सहकारी समिति के परिसर में किया गया। संस्था के प्रबंधक रामकृष्ण पाटीदार ने संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन में 2,32,54,000 का लाभ का बजट प्रेरित करते हुए किसान सदस्यों की संस्था की प्रगति 1,10,77,000 संचित लाभ के साथ वित्तीय वर्ष में 4,44,000 का लाभ अर्जित किया। वहीं किसानों की मांग पर कार क्षेत्र के ग्राम छोटी कशरावत में खाद गोदाम एवं कार्यालय खोलने की मांग की गई, जिसे आम सभा में प्रस्ताव पारित किया। इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में 12,000 रुपए, बचत बैंक सेवा के सेवा शुल्क के रूप में 1,35,000 रुपए। माँ, इसमें हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सदस्य बचा हुआ आकर सीधा मुहैया कराया जाएगी। इसके पश्चात सारी जो उनके द्वारा डेट स्टॉक के रूप में 2,72,000 की सामग्री दी गई थी, उसका प्रस्तावित बजट में मैं सर्वप्रथम प्राप्त हुए। इसके पश्चात नाबार्ड के द्वारा 31 दिसंबर 21 को फिर पुनः 1,15,000 के लगभग प राप्त हुआ था। 4,94,000 रुपए खाद के कमीशन में प्राप्त हुए थे, तो 5,25,000 रुपए का बजट रखा है। बीज कमीशन के रूप में मशीन प्राप्त हुई, 2 कंप्यूटर माइफेंटर के प्राप्त हुए। अच्छी अभियान संस्था ने कराया और उनको अच्छी जो बैंक द्वारा नीति निर्धारित है कार्य संचालन के लिए बनाया गया है। संपत्ति को विक्रय और बेचने का अधिकार प्रशासन कमेटी को नहीं है। आप जैसा निर्णय लें, बेच तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ भवन निर्माण जरूर करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था प्लाट को बेच दिया जाए या निर्माण किया जाए। क्योंकि वर्तमान में हमारी संस्था में संचालक मंडल का बोर्ड इलेक्शन